नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हरपल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। सावन भगवान शिव का पवित्र महीना है। सावन के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो मंदिरों में उमड़ती है। ऐसे में सावन के मौके पर हम आपको बिहार से एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कहते हैं कि भगवान शिव की महिमा जो है वो अपरंपार है, लेकिन इस महिमा को देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुँचते हैं। सावन की सोमवारी जो है वो शुरू हो गई है और इस दौरान मंदिर और शिवालयों में शिव भक्तों का जन लाभ जो है वो देखने को मिल रहा है। इस बीच आज हम आपको बिहार के मुजफ्फरपुर से एक ऐसा शिवधाम दिखाने जा रहे हैं जिसकी अनोखी तस्वीरें आप देख करके हैरान रह जाएंगे। दरअसल सावन माह में महादेव की पूजा नहीं होती है इस मंदिर में। जो तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर जो है वो पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। सावन माह में महादेव की पूजा इस मंदिर में नहीं हो पाती है, लेकिन उसके बावजूद भक्त जो है वो भगवान के दर्शन को पहुंचते हैं। भले ही दर्शन हो या ना हो, लेकिन भक्त पहुंचते ज़रूर है। कटरा के धनौरी गांव के बागमती और लखनदेई नदी के संगम के बीच ये मंदिर जो है वो स्थित है। बाबा धनेश्वर नाथ मंदिर के नाम से यह प्रसिद्ध जो है मंदिर है। सावन की प्रत्येक सोमवारी को स्वयं माँ गंगा स्वरूप दो नदियां जलाभिषेक भगवान शिव का करती हैं। सावन की सोमवारी से ही भगवान भोलेनाथ जल समाधि ले लेते हैं इस मंदिर में। पूरे सावन यहाँ श्रद्धालुओं को भगवान का दर्शन नहीं होता है। शिवलिंग के ऊपर पानी का बहाव रहता है। वहीं इस मामले पर वहाँ के मंदिर के पुजारियों की भी अपनी अपनी राय है। ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि भले ही शिव मंदिर जो है वो पानी के अंदर समा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भगवान के दर्शन को भक्त पहुंचते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये अद्भुत नज़ारा जो है वो किस तरीके का नज़र आ रहा है और भक्त किस तरीके से पहुंचे हुए हैं। वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर के वहाँ मौजूद श्रद्धालुओं से और पुजारियों से बातचीत करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने भी इस मंदिर को लेकर अपनी बातों को रखा है। मुजफ्फरपुर जिला में कटरा प्रखंड में दांत में है, जैसे कि बागमती नदी के तट पर। यहाँ जैसे कि भोला बाबा 3 महीना 4 महीना ही पानी में रहते हैं। इसके बाद जैसे कि फिर यहाँ जो है पुजारी हैं अपना आते जाते हैं लोग, तो इनको नाव से जैसे कि पार कर देते हैं। इसके बाद जैसे कि फिर उस महीना अपना चचड़ी उचड़ी बनता है तो लोग आते जाते हैं। यही है। क्या मानता है इस मंदिर का? बहुत बड़ा मानता है यहाँ जैसे कि मंदिर का, चारों बगल से लोग आते हैं दर्शन करते हैं यहाँ जैसे कि, उसके बाद मनोकामना पूरा होता है लोग को। कहाँ कहाँ के लोग आते हैं? मुजफ्फरपुर जिला के तो आवे करते हैं, अब साथ में सीतामढ़ी नेपाल जहाँ लोग अभी इनका उतना प्रचार प्रसार नहीं है, इसलिए जैसे कि तैयो जैसे कि बहुत लोग आते हैं, जैसे कि चारू बगल के लोग आते हैं जो जानते हैं। अरे मंदिर कैसे निर्माण हुआ? मंदिर हम लोगों के अखिल से पहले के बाबा दादा, बहुत पुराना मंदिर है, अंकुरित बाबा है। क्या नाम है? मेरा नाम सुजीत कुमार हूँ। तो प्राचीन काल से ही है और गंगा खुद अभी जलशयन में बाबा को रखते हैं और यहाँ जो दर्शन करने आते हैं भक्त उसका मनोकामना पूरा होता है और नैया से जहाँ तक पार लगता है सेवा करते हैं। अभी वो क्या स्थिति है ना? अभी तो बाबा जलशयन में है। कहाँ कहाँ के लोग आते हैं? बहुत बहुत दूर के आते हैं, बाबा को जो जानते हैं वो निश्चित यहाँ पहुँचते हैं, नैया से आते हैं और बाबा को मनोकामना पूरा होता है। फिर कहाँ पर है मंदिर? ये मंदिर है कटरा गढ़ से धनौर में है और दांत जंगल बोलते हैं, नदी के कात में है। धनेश्वर बाबा का मंदिर है बागमती नदी के, हाँ बागमती नदी के बीच में है। बाढ़ में कुछ बाल बाका नहीं? हाँ बाढ़ में कुछ बाल बाका नहीं होता है। सावन महीने में जो है कि स्वयं नदी जलाभिषेक? हाँ। क्या नाम हुआ? हमारा नाम इसे शंकर कुमार सिंह है और दानी दानी। तो सावन का महीना जो है वो भगवान शिव का होता है और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके श्रद्धालु जो है वो हर एक उपाय करते हैं।
भले ही सावन के महीने में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें हमने आपको बिहार के मुजफ्फरपुर से दिखाई है, ये तस्वीर अपने आप में बेहद अनोखी है। शिव धाम की एक ऐसी अनोखी तस्वीर से हम दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं जहाँ सावन माह में महादेव की पूजा होती ही नहीं है, जो कटरा के धनीर गाँव के बागमती और लखनदेई नदी के संगम के बीच स्थित है। बाबा धनेश्वर नाथ मंदिर के नाम से यह मंदिर बेहद प्रसिद्ध है और दूर दराज से इस मंदिर में लोग पहुंचते हैं। सावन के प्रत्येक सोमवारी को स्वयं माँ गंगा स्वरूप दो नदियाँ जलाभिषेक भगवान शिव को करती हैं और सावन की सोमवारी से ही भगवान भोलेनाथ जल समाधि ले लेते हैं। पूरे सावन यहाँ श्रद्धालुओं को भगवान का दर्शन नहीं हो पाता है और यही यहाँ की सबसे अनोखी बात है। शिवलिंग के ऊपर पानी का बहाव रहता है और वहीं बहाव रहता है और उसके बावजूद भी श्रद्धालु जो है वो पहुँचते हैं और भगवान शिव पर जलाभिषेक करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। भगवान शिव में समस्त लोगों की आस्था है और ऐसे में अपनी आस्था को व्यक्त करने के लिए सावन के माह में मंदिरों में लोगों की भीड़ उमड़ती है। तो मेरे साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।